फिल्म से लोग कहते थे कि एक्टर का बेटा है तो एक्टर ही बनेगा, उनके तो बड़ा इजी है, ये हो जाता है। मैं कुछ हद तक मान सकता हूं इस बात को, लेकिन जो सफाई इसमें है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। मैं मानता हूं कि राज कपूर ने फिल्म बॉबी बनाई और उसमें उन्होंने मुझे लिया। पहले तो राज कपूर उस किस्म के मेकर नहीं थे जो पहले अपने बच्चों के लिए पिक्चर बनाए। ही यूज्ड टू मेक फिल्म्स व्हाट ही वांटेड, ही वाज दैट काइंड ऑफ फिल्म मेकर। बॉबी वाज अ हीरोइन्स नेम, नॉट माय नेम। इफ आई वाज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ फिल्म, ही वुड हैव मेड अ फिल्म विच वुड हैव बीन माय नेम, नॉट अ गर्ल्स नेम। एंड देयर आफ्टर बेसिकली अगर आप देखें, राज कपूर वाज अ हीरोइन्स डायरेक्टर। ही मेड फिल्म्स विच कॉम्प्लीमेंटेड द हीरोइन इन द फिल्म। तो मैंने अच्छी बॉबी की फिल्म की पिक्चर में डिंपल की शादी हो गई, और जब पिक्चर रिलीज हुई वो इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि मैंने पूरा क्रेडिट खींच लिया पिक्चर का, बेमतलब का। मैं तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर में था क्योंकि मेरा नाम जोकर है, मुझे थोड़ी मेरी तारीफ हुई थी, लोगों ने मुझे पसंद किया था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम वेट लूज करो एंड आई विल पुट यू इन दिस फिल्म। तो ठीक है, पिक्चर में काम किया, कोई नहीं। मुझे याद है कि बॉबी जब लगी थी दिल्ली में तो इतना क्रेज था पिक्चर में, जो पंजाब नहीं लगी, सॉरी दिल्ली नहीं लगी थी पिक्चर, पंजाब पे लगी थी। इतना बड़ा क्रेज था कि यहाँ से बॉबी की बसेस चलती थी गुड़गांव, बसेस चलती थी फरीदाबाद, क्योंकि दैट यूज्ड टू बी इन द पंजाब सर्किट टू सी द फिल्म बॉबी। आप लोग में से 90% तो पैदा ही नहीं हो, लेकिन वो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो ऐसा क्रेज था उस पिक्चर का, यहाँ से बॉबी की बसेस चलती थी, हर आधे घंटे में जाके पिक्चर देखो गुड़गांव में या फरीदाबाद। तो ये प्यार का एक बंधन, भाई आप हाथ क्यों उठा रहे हो बार बार, मैं जानता हूं आप फरीदाबाद के ही होंगे। तो बॉबी से मैं हीरो बन गया, आई हैड इट वेरी कंफर्टेबल, आई बिकेम अ स्टार ओवरनाइट, आई बिकेम, आई वाज अ वेरी ब्रैश and a very, what should I say, hot-headed guy. हुआ ये कि very early in my career मुझे बहुत झटके लग गए, मेरी फिल्म नहीं चली, and मेरी फिल्म लगी थी जब कि पूरा माहौल, जो ambiance, atmosphere था, was only for action-oriented films. एक typhoon, एक hurricane जैसा actor अमिताभ बच्चन भी पैदा होते थे उस साल में। हम दोनों की फिल्म जंजीर और बॉबी एक ही साल 1973 में लगी थी, एंड वी बोथ बिलोंग टू दिस ह्यूज हिट्स, लेकिन ही चेंज द होल एटमॉस्फेयर। जैसे पहले काका जी का वक्त होता था, उनकी पिक्चर चलती थी, रविंद्र कुमार एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हुआ ये कि माहौल पूरा एक्शन का हो गया, तो उसके सामने सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मेरी जद्दोजहद, मेरी स्ट्रगल जिंदगी में 25 साल उसके बाद रही, दे हैड इट वेरी इजी, जो स्टार बन गया then they had it very easy because they were marketing films and making films which was, you know, call of the day. But to work in a film and get appreciation and, you know, to survive in the industry in front of all these action macho heroes, it was very difficult. So har saal maine struggle kiya hai to somehow to keep my head above the water. Then to I would have also sunk a long time back. So this was only because of the love and affection and the blessings of the people like you who liked my work, who liked my films, and they were successful. As you just saw, Chandni was a game changer. Yes, Chandni came at a time when everything was zero for us. The whole industry ne write off kar diya tha ki ye chhodi picture to flop hone wali hai. There is no point discussing also it. Aur jab ye lagi picture Chandni, to main America mein tha, to mujhe mere dost Jitendra ne mujhe phone kiya kuch chauthe paanchve din. से कहा कि यार ये तेरी पिक्चर है, बहुत बड़ी हिट हुई, तो मैं माना भी नहीं यार, ये सुना था पिक्चर हैज नॉट ओपन्ड वेल, नो ही सेड इट्स बीन अ बिग हिट, सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ गेम चेंजर। वो वक्त नहीं था ऐसी फिल्मों का चलना, लेकिन वो फिल्म चली। सो उसके बाद कुछ बहुत माहौल चेंज हुआ, एंड देन यू राइटली सेड, जब मेरा पैकअप टाइम आया तो फिर वो माहौल बदल गया, और तब वो माहौल हुआ जब मैं बट